इन दिस टूर्नामेंट. वेल 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 वेलकम, आप सभी का स्वागत है. प्रिंस है हमारे साथ, सारंग है और अलादीन है. इफ यू गाइस कैन हियर अस, एक अच्छा सा वेव आप दे सकते हैं. कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया है, आप कैसे हो? एक्चुअली हम नहीं उन्हें सुन पा रहे हैं, हमारी तो आवाज आप तक जरूर से आ रही है. आवाज नहीं जा रही है. आ रही नहीं आ रही? आपका हेडफोन चेक करिए प्लीज. ऑन है, चेक कर लो अभी. हेलो प्रिंस. हेलो, आवाज आ रहा है? मेरे को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा. आई कैन हियर माय भाई, आप हेडफोन चेक कर लीजिए. ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसे छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं. ओके, हाँ तो पहले जब तक माही भाई का हेडफोन ऑन होता है, आप बताइए कैसा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हैं अभी. टूर्नामेंट खेल के अच्छा लगा, ये लास्ट डे पे थोड़ा कमबैक किया और टीम पूरा अच्छा खेली. तो अच्छा लग रहा है. ओके, आई थिंक माही भाई सुन नहीं पा रहे हैं, माही भाई के ऊपर हेडफोन दे देते हैं, वो कम्युनिकेट कर देंगे. वेल डेफिनेटली प्रिंस के साथ तो हमने पहले भी काफी इंटरव्यू लिए हुए हैं. सो प्रिंस कैसे हैं आप? हम ठीक हैं. अभी लास्ट हमारी एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि यार मुझे तो खेलने नहीं दे रहे, मुझे बिठा दिया है, अलादीन आईजीएल कर रहे हैं. तो अभी जब वापस से टीम में आ रहे हो तो मतलब कमबैक ऐसा आईजीएल हुई है कि अभी ऐसा ऑल्टर खेल रहे हैं आप? आईजीएल, आईजीएल चल रहे हैं. तो मेन फोर का आज हमने कुछ अलग ही दबदबा देखा. एक क्वेश्चन मैं अभी औरों से भी पूछ रहा था, जहन में काफी टाइम से है. इलेवेंथ पे थे आज के चार मैचेस शुरू होने से पहले. खेलने आए थे जीतने के लिए कि भाई एक बार ट्राई करते हैं, पहुंच गए तो पहुंच गए, कि पता था कि कर लेंगे? पता तो नहीं था कर लेंगे, पर हम हमेशा ट्राई करते हैं कि चलो एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि कहां तक जा पाते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ तो ट्राई करते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड की ट्राई थी, मतलब विक्ट्री का उतना कुछ नहीं था कि भाई फर्स्ट तक को भी एम कर सकते हैं. एम टॉप थ्री तक के आने का ही था, राइट? Well, बिल्कुल, ये अनएक्सपेक्टेड है. हम कास्टिंग में हमेशा बोलते हैं प्रिंस की अनिश्चितताओं का खेल है, बट आज आपने प्रूव कर दिया कि मतलब कोई टीम 11 से आके चार मैचेस में सीधा फर्स्ट भी जा सकती है. काफी अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस. एंड कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, हमने लास्ट मैच के अंदर सारंग की एक कैजुअलिटी देखी थी. सारंग थोड़ा अकेले फंस गए थे, टीएसएम का पूछ आया था. उनसे बात करना हो तो वह उनको हेडफोन दे सकता, वो भी नहीं सुन पाएंगे. ओके बिल्कुल, हम सारंग से थोड़ा प्रिंस आप जाने से पहले उस सोल वाले मोमेंट पे क्या कर दिया मेरे भाई, मतलब हम लोग इधर चोक कर गए थे. 1v2 सिचुएशन और 1v2 निकाला भी M249 से. क्या चल रहा था जब पुश कर रहे थे वो लोग? वो तो 4v3 इजी था, पर थोड़ा कोऑर्डिनेशन का वो थोड़ा हो गया, तो इसकी वजह से 1v2 लास्ट का हो गया. वरना इजी हम कर ही देते, क्योंकि जोन भी हमारे फेवर में था, सब कुछ हमारे फेवर में था. आपने एक्सपेक्ट किया था कि बिल्डिंग से बिल्कुल सामने से ही दोनों आएंगे, या फिर लग रहा था कि ब्रोकन वॉल से राइट से भी कोई आ सकता है? नहीं, राइट से एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर फाइट हो रही थी. वेल एक्जेक्टली, वही एक छोटा सा चोक पॉइंट मेरे हिसाब से था कि राइट से आ सकते थे तो प्रिंस को वहां पे मुश्किल हो सकती थी, बट योर एग्जीक्यूशन वाज सो वेरी ऑन पॉइंट एंड मजेदार वो चिकन डिनर था. सारंग से जरूर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, बिकॉज आखिरी मैच में शायद वो उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे. हाँ जी, सबको मैंने बोला. हेलो 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 सारंग, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया. कैसा लग रहा है एक और टूर्नामेंट की विक्ट्री में? लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो वो एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, वहां पे भी आप जीते ही थे, यहाँ पर भी जीत रहे, तो एक जीतती हुई टीम का हिस्सा बनके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है. अभी कुछ दिन फॉर्म डाउन चल रहा था, अभी वापस आ रहा है फॉर्म, तो मजा आ रहा है. मतलब मेरा ये सवाल है, ये एक आम आदमी का सवाल है, वैसे जनता जवाब मांग रही है कि ये जो फॉर्म वापस आती है, ये आती कैसे है? पता नहीं, प्लेयर्स को अपने आप ही मारना शुरू कर देते. कुछ तो ऐसा होता होगा, मतलब आपके साथ कोच हैं, ओस्मियम है, आपकी मैनेजमेंट फैकल्टी में बहुत एक्सपीरियंस लोग आपके साथ हैं, तो आपने बोला फॉर्म चली जाती है. ठीक है, फॉर्म चली जाती है, फॉर्म इज टेम्परेरी, बट ये फॉर्म आती कैसे है? जब टूर्नामेंट जीतते हैं तभी आ जाते हैं. ओके, दैट वाज क्यूट. सो आपने आज एक कैजुअलिटी ली थी लास्ट मैच के अंदर, जब टीएसएम का पुश आया था, आपकी कैजुअलिटी के बाद आपको लगा था कि भाई हम सेकंड आ गए, सोल उधर से जोन ले लेगी, कि लगा था कि नहीं हम थ्री मैन भी निकाल लेंगे, ये टूर्नामेंट अपना ही है? नहीं, लगा था थ्री मैन ही निकाल लेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट थे सब लोग, तीन मैच निकाल लिए थे तो कॉन्फिडेंट थे निकाल लेंगे.
एब्सोल्युटली लाइक जिस तरीके से आप सिंपलिसिटी रख के आंसर कर रहे हैं वो दिख रहा है कि प्रिंस से भी पूछा एक वन वर्ड आंसर पता था टॉप थ्री ये वो लाइक यू गाइस आर वेरी स्वीट लाइक कंग्रेचुलेशंस आप लोगों ने ये टूर्नामेंट जीता। अब आने वाला सीजन आपके लिए बहुत बड़ा है क्योंकि बीएमओ से शुरू हो रहा है, उसके लिए तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, उसके लिए मतलब अभी मतलब सीरियसली खेल रहे सब लोग। अभी स्प्रे गॉड भी बूट कैंप पे नहीं, उसका एग्जाम चल रहा है, वो भी आएगा फिर और सीरियसली खेलेंगे, तो परफॉर्मेंस और अच्छा आना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी सी बात अलादीन से भी करना चाहेंगे, इंतजार कर रहे हैं शायद वो अपनी बारी का, तो आप अरे हेडफोन्स अरे, पास ऑन कर सकते हैं, डर रहे एक हैं हेडफोन इतना ऊपर क्यों क्योंकि आपका सर थोड़ा सा छोटा है। अलादीन कैसे हैं आप? है? हम अच्छे, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आप जरा सा ये बताएं कि कब आपको लग गया था कि ये टूर्नामेंट अब हम जीत सकते हैं? अलादीन ने प्रिंस से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम टॉप थ्री का ट्राई टॉप कर थ्री रहे थे, बट करेक्ट। आज कौन से मैच के बाद आपको ऐसा लगा कि यार हम ये टूर्नामेंट जीत ही सकते हैं अब? जब लास्ट मैच में सोन मर गई तो हमको पता चल के जीत गए अरे वो तो रिजल्ट पता लग गया ना आप, मैं बोला ना कितना सिंपली वो आंसर करते, वो जिस चोज की वो कितने इनोसेंट आपका मतलब अपेक्षा कब लगने लगी कि हाँ लास्ट मैच में हम ट्राई करके जीत सकते हैं? जब दो चिकन डिनर निकाला था ना सोल को मार के प्रिंस ने, तभी लास्ट मैच के लिए हम लोग उतना ही कॉन्फिडेंट भी थे कि ये मैच हम लोग निकालेंगे निकालेंगे। तो अभी सवितार और स्प्रे गॉड दोनों ही आपके पास बेस्ट फ्रंटलाइन असॉल्टर्स हैं, अगर आपके पास ऑप्शन आता है अपनी टीम के पांचों प्लेयर्स में से बेस्ट फोर सिलेक्ट करने का, तो वो आपके हिसाब से कौन से बेस्ट फोर होंगे? मत जवाब दो, ये लड़ाइयां करवाएंगे टीम में ये क्या क्वेश्चन पूछ ले भाई मत जवाब, इसलिए बोलो मत नॉर्मल जवाब। नॉर्मल बेस्ट फोर आपके एक हिसाब से फोर क्या रह तो सकते देगा हैं? अभी जो करेंटली चल रहा है वही अच्छा लग रहा है, बट ऐसा ये नहीं कि अगर स्विच करा रहे तो ऑब्वियसली करेंगे। ओके सो ये सेम क्वेश्चन मैं एक बार प्रिंस से भी पूछना चाहूंगा ये ऐसा क्यों लग रहा है जी सवितर करने का इरादा है? एक बार प्रिंस से मैं बात करना चाहूंगा ये सेम क्वेश्चन से रिलेटेड अलादीन को कैसा लग रहा है मुझसे? नहीं नहीं बेस्ट फोर का आपका क्या पिक रहेगा बीइंग एन आइजल? कौन सी टीम से? अपनी टीम से ही आइजल अपनी अच्छा टीम मुझे से। लगा, मुझे लगा जी से। अच्छा मेरे में से वो भी बोलना था तो बोल दीजिए, वो भी बोल दीजिए। हाँ चलो जी की भी आप मेन फोर सिलेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते। चलो जी के प्लेइंग फाइव मतलब कितने लोग हैं टोटल? 6 लोग हैं मुझे हटा अच्छा के। 6 है? अच्छा आपको हटा के 6 है। मान्या फिर इनको प्लेयर्स के नाम भी नहीं याद होंगे नकुल? शायद नहीं 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 याद है, मान्या नकुल जोकर ये 3 याद है मुझे, और एज एजे का नहीं पता, एजे और क्रॉनी एजे वो दोनों नहीं नाम पता तो मेरे को। मतलब पता है कौन, ये तीन सही है, ये तीन सही मतलब है। किल फीड में नाम पढ़ पढ़ के इनको नाम तो खैर याद हो गया, बट अपनी टीम के प्लेइंग फोर आप जल्दी से बता दीजिए। प्लेइंग फोर मैं नहीं बता सकता, वो अभी देखेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कौन कैसा खेलता है, उस हिसाब से वो सिलेक्ट होगा। बीएमओसी की फाइनल तैयारी है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि कुछ ऐसा जो आपके फैंस अपेक्षा कर बैठे कि 7C का जो डाउनफॉल था हल्का सा, अभी सारंग ने भी बताया कि थोड़ा सा डिप आया था परफॉर्मेंस में, बड़ा फॉर्म वापस से आ रही है, तो बीएमओसी में कितने कॉन्फिडेंट आप हैं, आपके फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीएमओसी में आपसे? ऑनेस्टली सबका थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा फोकस हट गया था गेम से थोड़ा थोड़ा जी, तो अभी सब फोकस वापस आ रहा है, और कुछ कुछ प्लेयर्स का नहीं भी, कुछ कुछ प्लेयर एकदम फोकस थे पर कुछ कुछ प्लेयर्स का हट गया था, ऑनेस्टली सिंपल रीजन है। तो अभी सबका फोकस आ रहा है, तो अभी सब क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मैं ऑडियंस को यही बताना चाहता हूँ कि टीम अभी अच्छा करेगी और हमारा जितना भी अपन देंगे मेहनत करेंगे, बस आप सपोर्ट करते रहना 7C को, #BelieveIn7C। हैशटैग बिलीव इन 7C, एंड बहुत अच्छा लगा प्रिंस आपसे मिलके, उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरीके से आप इवेंट्स जीतते रहें एंड इसी तरीके से और आपके इंटरव्यूज हम लेते रहें, बिकॉज आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर विक्ट्री एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स। ओके थैंक यू, थैंक यू। वेल गाइस दिस वाज क्या सात समुंदर गाना बजेगा, सात समुंदर का गाना बजाएगा अभी कहीं? हाँ बिल्कुल कहीं नहीं बजेगा, आपके इंस्टा पे जरूर से बज सकता है वो गाना, हम सबको भी बहुत पसंद है, आप स्कूल के बाद हमने भी गाया गाना था। बजते रहना चाहिए बस ओके सो गाइस दिस वाज 7C स्पोर्ट्स, प्रिंस सारंग एंड अलादीन विद अस, बहुत अच्छा लगा इन सबसे मिलके, काफी स्वीट है सारे, और वेल दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हमने 7C को इतना अच्छा करते हुए